Morning students, I am Sai sir with your English classes. So beta, today I think it's our last topic in this lesson. आज ये finish हो जाएगा, काफ़ी lengthy था. तो बेटा last time हमने छोड़ा था कि वो उसको एक logic के द्वारा, जो राजेंद्र प्रसाद था वो professor Gattando को एक logic के साथ समझा रहा था. तो देखिए वहाँ से आगे उन्होंने कैसे समझा या नहीं माना, क्योंकि वो तो कह रहा था कि अहमद शाह अब्दुल्ली हारा था और मराठा जीते थे, लेकिन जो एक्चुअल में हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि नहीं, अहमद शाह जो हम पढ़ते हैं, जो हम जानते हैं, फैक्ट भी है कि मराठा उस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में हारे थे और अहमद शाह अब्दुल्ली जीता था. तो आगे देखिए वो क्या एग्जाम्पल देखे उसको समझा रहा है. वो कह रहा नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है. वी नो द प्रिसाइज ट्रिजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट, वो कह रहा ग्रहों का निश्चित गमन पथ हमें पता है. द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट, वो कह रहा इलेक्ट्रॉन कई सीमित स्थितियों में घूम रहे हैं हो सकते हैं. दीज स्टेटस में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, और यही इन परिस्थितियों का प्रयोग से ही हम दुनिया को पहचान जा सकते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ, कौन सा कंट्री कहाँ पर है. इन स्टेट नंबर वन, अब वो आगे देख रहा कि वो कह रहा इन स्टेट नंबर वन यानी एक स्टेट में, वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो बहुत अधिक है, हायर है. इन स्टेट नंबर टू और दूसरे स्टेट में इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, वहाँ एनर्जी कम है. इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो, तो ये क्या करेगा, जो हाई वाले से जंप करेगा लो वाले में. And send out a pulse of radiation. तो वो इस तरह से अपनी जो विकिरण का है संपादन दूसरी परिस्थितियों में करेंगे. और पल्स ऑफ रेडिशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर टू इन टू स्टेट नंबर वन, यानी स्टेट नंबर टू से स्टेट नंबर वन में आएंगे. सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोप सिस्टम, वो कह रहा बिल्कुल इसी प्रकार की परिस्थितियों से दूसरी परिस्थितियों में बदलाव बहुत ही सूक्ष्म तंत्रों में एक सामान्य बात है. वट इफ इट हैपन ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल, राजेंद्र ने कहा कि क्या हो यदि ऐसी दीर्घ तंत्रों के स्तर पर हो जाए. तो आखिरा आई गेट यू, यू आर सजेस्टेड डेट आई मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ड टू अनोदर एंड बैक अगेन, गंगाधर पंत आस्क्ड, वो कह रहा है कि ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बात को समझ गया, यानी आप ये बता रहे हैं कि मैंने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया था और फिर वापस आ गया. गंगाधर पंत ने पूछा, फैंटास्टिक थॉट इट सीम्स, कह रहा दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, वो कह रहा चाहे बिल्कुल यही है, चाहे वो अधिक विलक्षण लगती हो, परंतु सिर्फ मैं ये स्पष्टीकरण ही दे रहा हूँ. माई थ्योरी इज डैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, वो कह रहा मेरा सिद्धांत ये है कि विनाशक परिस्थितियों में दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे तरह से अलग विकल्प पेश करती है. इट सीम्स डैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव आर वायबल्स, बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम, वो कह रहा ऐसा लगता है कि जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है वो सारे विकल्प व्यर्थ हैं, परंतु दृष्टा एक समय में उनमें से केवल एक ही परिस्थितियों को अनुभव कर सकती है. बाय मेकिंग एट ट्रांजिशंस यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड एल्थोट वन एट टाइम, वो कह रहा आपके ये बदलाव करने में दो संसारों का अनुभव आपको हो गया है, जबकि एक ही समय में एक का. द वन यू लाइव इन वन एंड द वन वेयर यू स्पेंड टू डेज, एक तो वो जहां आप अब रह रहे हैं, एक वो जहां आपने लास्ट के दो दिन गुजारे हैं. ऑन हिज द हिस्ट्री वी नो द अदर्स ए डिफरेंट हिस्ट्री, वो कह रहा दूसरे का इतिहास अलग है और हमारा इतिहास अलग है, यानी एक का इतिहास हमें विवादित लगता है और दूसरे का इतिहास अलग है. द सेपरेशंस ऑफ bifurcations took place in battle of Panipat, वो कह रहा इनका अलग होना या दो भागों में बढ़ना पानीपत की लड़ाई में हुआ. यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, वो कह रहा ना तो भूतकाल में हैं आप और ना ही भविष्य में अपने
यात्रा की है। यू आर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो कह रहा आप अभी वर्तमान में पर आपको जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट संसार का है। ऑफकोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड अराइजिंग आउट ऑफ बायफ्रोकेस्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। वो कह रहा वर्तमान में ही आप जो है आप ही रहे थे लेकिन अलग अलग संसारों का आपने अनुभव किया है, लेकिन निसंदेह इसी परिणाम से भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न दुनिया विभाजित हो रही होगी। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन दैट वाज बिगनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट। वो कह रहा गंगाधर पंत ने राजेंद्र की अपनी बात पूरी होने पर वे पर्सन जिसे वो जो उसे तंग करने लगा था, बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजेक्शन, वो कह रहा परंतु मैंने बदलाव क्या किया। इफ आई नो द आंसर, वो कह रहा अगर मुझे आंसर पता होता आई वुड सॉल्व ए ग्रेट प्रॉब्लम, तो मैं एक बड़ी समस्या सुलझा देता। अनफॉर्चुनेटली देयर आर ए मैनी अनसॉल्व क्वेश्चंस इन साइंस एंड दिस इज वन ऑफ देम। वो कह रहा कि निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चन हैं जिनमें से ये भी एक है। बट डेट डट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गैसिंग, परंतु ये मुझे अंदाजा लगाने से या गैस करने से नहीं रोकेगा। राजेंद्र स्माइल एंड प्रोसीडेड, राजेंद्र मुस्कुराया और आगे प्रोसीड किया उसने। यू नीड सम इंटरसेक्शन टू काउज ए ट्रांजेक्शन, वो कह रहा है कि आपको बदलाव करने के लिए आपको किसी मुठभेड़ की जरूरत थी। परहैप्स शायद एट दैट टाइम ऑफ द कोलाइजन यू आर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड इट्स रोल इन वॉर्स। वो कह रहा हो सकता है जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जब आपका कोलाइजन हुआ था, तो आप किसी ऐसे ही उसके बारे में सोच रहे होंगे। मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है कि आप पानीपत की लड़ाई के विषय में ही सोच रहे हो। परहैप्स द न्यूरन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्राइगर, हो सकता है कि आपके दिमाग में न्यूरन्स ने इस परिवर्तन को उत्पन्न करने का कार्य किया हो। ए गुड गैस, वो कह रहा अच्छा अनुमान लगाया है। आई वॉज इन डीड ए वंडरिंग वट कॉर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन टू द अदर वे। वो कह रहा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यदि पानीपत के युद्ध का परिणाम अन्य दिशा में होता तो इतिहास की ओर क्या हो जाता, यानी इतिहास किस ओर मुड़ जाता, किस ओर हो जाता। प्रोफेसर गेटांडो सेट, प्रोफेसर गेटांडो ने कहा डेट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेजेंटियल एड्रेस। प्रोफेसर गेटांडो ने कहा कि मेरे हजारों सभापतियों का पद का भाषण का विषय यही होना था। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। वो कह रहा है कि अब आप सिर्फ अटकलें लगाने की अपेक्षा अपने वास्तविक जीवन के अनुभव का उल्लेख करने की ठीक स्थिति में हैं। राजेंद्र लाफ्ट, राजेंद्र हंसते हुए राजेंद्र ने कहा था बट गंगाधर पंत वाज ग्रेव, वो अभी भी गंभीर था। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वाज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वाज सो रूडली इंटरप्टेड। वो कह रहा कि मेरे हजारों हुए होंगे लेकिन जितना मुझे इंटरप्टेड में आज़ाद मैदान में हुआ था, जैसा बेइज्जती हुआ था, बहुत रडली बिहेवियर मेरे संग हुआ था। नो द प्रोफेसर गेटांडो हु डिसअपीयर्ड वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म वाइल नाउ नेवर बी सीन प्रेजेंटिंग एट अनदर मीटिंग। वो कह रहा नहीं, वो प्रोफेसर गेटांडो जो अपने आदर की रक्षा करते हुए गायब हो गया था, दूसरे किसी भी भाषण का सभापति तब करता नहीं देखा गया था। आई हैव कन्व्यू माई रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पानीपत सेमिनार, पानीपत गोष्ठी का आयोजन कर्ताओं को मैंने अपने न आ सकने के खेद की सूचना दी। ये लेसन था बेटा आपका, हमारा पूरा एक वीक ये लेसन आ गया, लगभग कंज्यूम कर गया है। तो बेटा इसके क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़ लेना, और जो भी ना क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो रहा हो वो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा और क्वेश्चन आपका बनवा दूँगा। इनको राइट डाउन कर लेना अपनी नोट। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हमारा लास्ट चैप्टर बच रहा है सिल्क रोड, तो देन वी विल स्टार्ट इन टुमारो। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।